तो आज आगे बढ़ाते हैं फिर अपन। लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था क्या, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही टॉपिक अपन ने पढ़ा था लास्ट, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें अब याद करें आप, चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, ये आई थी KQ/R2। चालक गोले के पृष्ठ पे ज्ञात की थी तो ये आई थी KQ/R2। और चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था तो यह आया था 0। ये तीन चीज़ें आपके पास थी, इनको लेके यदि ग्राफ बनाएं विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य के, दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन कैसे होता है, तो ग्राफ कैसा बनेगा आप देखो। या देख पा रहे हो इधर वाई अक्ष पे तो ले लेंगे विद्युत क्षेत्र और एक्स अक्ष पे अपन ले लेंगे दूरी, ये हो गया मूल बिंदु। तो जो अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें तीन जगह तीन क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने ज्ञात की थी, तो अब अपन ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तीन क्षेत्र बनाएंगे। सबसे पहले ये 0, फिर यहाँ ले लेंगे R=R, मतलब R का मान यहाँ ले रहे हैं और R का मान त्रिज्या के बराबर हो गया यहाँ पे। तो इससे पहले R का मान त्रिज्या से कम है और इसके बाद स्मॉल R का मान त्रिज्या से ज़्यादा है। आप समझ पा रहे हो, स्मॉल R का मान, जैसे अंदर की बात करें गोले के अंदर तो स्मॉल R का मान त्रिज्या से कम होगा, पृष्ठ पे बात करें तो त्रिज्या के बराबर, और गोले के बाहर बात करें तो स्मॉल r का मान त्रिज्या से ज़्यादा होगा। बोलो होगा या नहीं। इसके लिए ग्राफ बनाए तो कैसे बनाएंगे देखना आप। सबसे पहले R=R पे बनाएंगे, तो ये रहा R=R पृष्ठ पर, R=R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी KQ/R2। इसमें K नियत है, Q नियत है और R त्रिज्या भी नियत है, तो इसका मान नियत रहेगा। तो मान लेते हैं कि इस वाई अक्ष पे विद्युत क्षेत्र को लिख रहे हैं, तो मान लो कि यहाँ पे इस जगह पे विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता है, KQ/R2 हो जाता है। तो बताओ R=R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इधर से इसको बढ़ाएं और इधर से इसको बढ़ाएं, यूं दोनों यहाँ जाके मिलेंगे, तो फिर ये किसको व्यक्त करता है कि R=R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, KQ/R2। बोलो कोई दिक्कत, समझ आया है यहाँ तक। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R2, क्लियर है। अब बाहर की बात करें तो गोले के बाहर क्या था बताओ, R बड़ा है R से, स्मॉल R का मान कैपिटल R से बड़ा है, तो ये गोले के बाहर, तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र ही आया। ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब E/1/R2, ये तो हुआ। और व्युत्क्रमानुपाती राशि के लिए ग्राफ कैसा बनता है, तो ये बाहर वाला क्षेत्र है, स्मॉल r का मान r से बड़ा है, तो इधर ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय। तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन इस प्रकार से होगा। अंदर की बात करें, अंदर तो अंदर मतलब R=R, तो R=R में अंदर की बात करें तो अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, 0। तो आपको पता होना चाहिए एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0। तो आर अक्ष पर ई का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ई का मान 0 कहाँ रहेगा, यहीं रहेगा इसी लाइन पर, ये लाइन किसको व्यक्त करेगी, E=0 को, ठीक है। और इसको आप यूं मिला सकते हो ऐसे ही, क्लियर है। तो समझ आया ग्राफ कैसे बनेगा। देखो आप गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 रहेगी, गोले के पृष्ठ पे अधिकतम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, KQ/R2। और गोले के बाहर चलते जाएं तो बाहर जितनी दूरी पर जाएंगे दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती आएगी। तो इस तरीके से अपन विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ बनाते हैं, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ बनाते हैं। इसी तरीके से अब दूसरा अनुप्रयोग लेते हैं। तो दूसरा अनुप्रयोग क्या आता है आपके पास, देखो ये कल अब जो पिछला पढ़ा था उसमें था आवेशित चालक गोला, इसमें क्या पढ़ेंगे, आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें अपन ले रहे हैं अचालक ठोस गोला, कल चालक गोला लिया था, मतलब पिछले वीडियो में चालक लिया था और इस वीडियो में अपन क्या ले रहे हैं, अचालक। तो अचालक गोला क्या होता है, आवेशित करने पर आवेश कैसे वितरित होता है, पहले इस बात को अपन समझने जाएंगे, ठीक है। तो अचालक गोले को जब आवेश दिया जाता है तो उसका आवेश अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे आपके पास ये गोला है,
मान ले कि ये अचालक गोला, अचालक, तो अचालक गोले को यदि अपन क्यू आवेश देते हैं, मान ले इसकी त्रिज्या कितनी है बताओ, कैपिटल आर, पर अचालक गोले को यदि क्यू आवेश दे दें तो इसको जो आवेश दिया जाता है वो इसके अंदर इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, इसके अंदर ही वितरित हो जाता है। अब ध्यान रखना, पिछले वाले में क्या था कि चालक गोले में जो आवेश है वो प्रतिकर्षण के कारण कहाँ आ जाता है, पृष्ठ पे, लेकिन अचालक गोले की बात कर रहे हैं तो अचालक गोले में आवेश को जहाँ रोपित किया जाएगा, जहाँ छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा, क्योंकि अचालकों में आवेश का प्रवाह नहीं होता है, अचालक में आवेश प्रवाहित नहीं होता है, तो आवेश प्रवाहित नहीं होगा तो जहाँ दिया जाएगा वहीं रह जाएगा। तो अचालक गोले को यदि आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उस गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। तो ये आर त्रिज्या का अचालक गोला है, इसको क्यों आवेश दिया, इसका संपूर्ण आवेश गोले के अंदर संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया, बोलो हुआ या नहीं, ठीक है। अब वही कि इससे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले पहला केस लेंगे अपन गोले के बाहर, बाहर का मतलब कि गोले के बाहर एक बिंदु मान लेते हैं, कोई बिंदु ले लिया है आप पी, गोले के बाहर यहाँ कोई बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कैसे ज्ञात करेंगे बताइए, तो गाउस के नियम की सहायता लेंगे, गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं अपन, तो गाउस के नियम के अनुप्रयोगों के हिसाब से अगर करें तो हम क्या करते हैं, इस गोले के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी मान लेते हैं, इस बिंदु पी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करेंगे, सर्वप्रथम एक कार्बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, तो स्मॉल आर त्रिज्या के एक बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ऐसे करेंगे या नहीं। अब पी बिंदु पर आप मुझे बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पी बिंदु पर, तो पी बिंदु पर ये धनावेश है तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से बाहर, धनावेश से दूर होती है। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी कि ये आपका गोला है, ये गोले का पृष्ठ है, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी बाहर की ओर, होगी या नहीं, तो ई और डी ए क्या रहेंगे बताओ, समांतर, क्लियर है। अब अपन ज्ञात करने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर, तो गोले के बाहर आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है, तो वही विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर समाकलन ई डॉट डी ए, बंद समाकलन ई डॉट डी ए, और डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो ई डी ए कॉस थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का कोण, तो यहाँ देखें तो ई और डी ए दोनों एक ही दिशा में मतलब समांतर हैं, तो थीटा का मान जीरो हो गया, तो जीरो यहाँ रखेंगे कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान हो गया एक, एक लिख दिया तो ई डी ए रह गया। और आपको पता है कि बंद पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार की जाती है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रहे, तो ई नियत रहेगा तो ई को बाहर ले लेंगे, तो समाकलन डी ए, और डी ए का समाकलन करें, क्षेत्रफल अल्पांश का समाकलन करो, इस काल्पनिक पृष्ठ पर कोई क्षेत्रफल अल्पांश लिया और उसका समाकलन करें, मतलब ऐसे सभी क्षेत्रफल अल्पांशों का योग करें तो इस काल्पनिक पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा, कितना बन जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², कितना बन जाएगा 4πr², तो इसका समाकलन करेंगे तो 4πr² आएगा। समीकरण नंबर एक, अब गाउस का नियम लगाओ तो गाउस के नियम से फाई बराबर q/ε0, कैसे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश q का 1/ε0 गुना हो जाएगा, तो ये गाउस का नियम आ गया। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ये आया, गाउस के नियम से ये आया, दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों को बराबर कर दिया, ये गुना 4πr² बराबर q/ε0, 4πr² को डिवाइड में ले आए और 1/4πε0 को k बोलेंगे तो kq/r², तो ई समानुपाती 1/r², तो ये बिल्कुल वैसा ही आया जैसा कि चालक गोले में आया था। तो अचालक गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो वह आएगी kq/r² और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अब बात करते हैं अपन पृष्ठ पर, दूसरा केस ले लेते हैं पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर क्या लिखेंगे, स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। आप समझते हो, अगर इस बिंदु P को उठा के पृष्ठ पर रख दिया जाए
तो स्मॉल आर का मान घट के और किसके बराबर हो जाएगा बताओ, त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, बोलो हो जाएगा या नहीं। स्मॉल आर का मान घट के त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, तो पृष्ठ पर आर बराबर आर, तो यहाँ पे के क्यू बटे आर स्क्वायर हो गया, तो ई बराबर के क्यू बटे स्मॉल आर की जगह क्या लिख देंगे बताओ, कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर, बोलो हो गया नहीं, के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर हुआ या नहीं। तो ये आ गया आपके पास पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। अब तीसरा आपके पास आता है अंदर, गोले के अंदर, गोले के अंदर, तो ये जो ठोस आवेशित अचालक गोला है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अंदर मतलब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से क्या होना चाहिए बताओ, कम होना चाहिए। तो गोले के अंदर यदि अपन पता करें तो कैसे पता करेंगे, देखो आप समझना ध्यान से, थोड़ा सा अटपटा है। जैसे अपन ने ये गोला ले लिया, फिर से ये आवेशित अचालक ठोस गोला है, इसको क्यू आवेश दिया, इसका संपूर्ण आवेश इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, बोलो हो गया है नहीं। तो एक समान रूप से यदि ये वितरित हो जाएगा तो मान ले कि ये केंद्र है ओ, और ये इसकी त्रिज्या हो गई कैपिटल आर, हुई या नहीं, तो इसकी त्रिज्या हो गई कैपिटल आर। अब इसके अंदर मान लो स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी उपस्थित है, इस पी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गाउस का नियम लगाएंगे, तो एक बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, एक बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, करेंगे ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये याद रखना है बाद में काम आएगा, या छोड़ो इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली अपन ने, अब इधर समझाता हूँ इसी चीज़ को लेके, इसको भूल जाए आप थोड़ी देर के लिए। देखो अब अपन कर रहे हैं गोले के अंदर, ठीक है, गोले के अंदर, तो गोले के अंदर क्या करने वाले हैं अब देखना आप। गोले के अंदर इस बिंदु P पर बताओ, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसके अंदर धनावेश है तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की हो, और बिंदु P पर इस गाउसियन पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की हो, तो E और DA की दिशा तो एक ही तरफ हो गई, तो E और DA क्या हो गए, समांतर। अब वही लगाएं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, फाई बराबर समाकलन E डॉट DA, EDA cos थीटा, E और DA दोनों समांतर हैं, E और DA दोनों समांतर है, थीटा जीरो हो जाएगा, तो फाई बराबर EDA, E नियत होगा, E को बाहर ले लेंगे, तो ये DA, और DA का समाकलन करेंगे तो कितना आएगा बताओ इस गोले के लिए, 4πr² यहाँ तक तो ठीक है। समीकरण नंबर एक यही वाला पढ़ा रहा हूँ मैं, थर्ड गोले के अंदर, फिर से करना पड़ेगा ये से, तो ये समीकरण नंबर एक। अब बताओ यहाँ बात करें तो इस बंद पृष्ठ से, यही है ना गाउसियन पृष्ठ, तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है, इस बंद पृष्ठ से घिरा आवेश ही लेना है, गाउस का नियम लगाते हैं तो बंद पृष्ठ से घिरा आवेश लेते हैं, तो इसमें कितना आवेश है, तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्यू आवेश तो पूरे गोले में, इसमें यदि निकालें तो कुछ कम आएगा क्योंकि कुछ आवेश बाहर रह गया, तो इसमें कितना आवेश होगा ये कैसे पता लगाएं, तो देखना संपूर्ण गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3πr³, तो बड़ा गोला जो है आप देखो 4/3π कैपिटल आर क्यूब, इतने आयतन में, ये बड़े गोले का आयतन है, इतने आयतन में कितना आवेश है बताओ, क्यू, तो एक आयतन में कितना हो जाएगा, एक आयतन में क्यू बटे 4/3πr³ हो जाएगा, और हमको किस में ज्ञात करना है, इस छोटे गोले में जिसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, छोटे गोले में जिसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3π और स्मॉल आर क्यूब, तो इतने आयतन में कितना होगा, समझ रहे हो, बड़े गोले के आयतन में आवेश कैपिटल क्यू है, एक आयतन में ये भाग में आ गया, तो फिर इतने गोले के आयतन में कितना होगा, तो ये गुणा में आ जाएगा, तो क्यू बटे 4/3π कैपिटल आर क्यूब और मल्टीप्लाई बाई
चार बटे तीन पाई स्मॉल आर क्यूब आ गया। चार बटे तीन पाई से चार बटे तीन पाई कैंसिल, तो क्या आ गया अपने पास क्यू स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब आ गया। क्यू स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब, ये याद रहेगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इधर देखो आप कि बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, बंद पृष्ठ में घिरा आवेश, बंद पृष्ठ में घिरा आवेश कितना होगा, बंद पृष्ठ में घिरा आवेश ये, इसको मैं क्यू डैश से लिख दूं, क्यू डैश, तो क्यू डैश कैपिटल क्यू डैश बराबर कितना होगा क्यू आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब, याद रहेगा ये, छोड़ो अभी से। अब लगाओ गाउस का नियम, तो गाउस के नियम से क्या पता लगा, गाउस के नियम से पता लगा कि फाई बराबर क्या होता है, इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों के सदिश योग का, आवेशों के बीजगणितीय योग का एक बटे एप्सिलॉन नॉट गुना। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर कितने आवेश है कुल क्यू डैश, तो इसका एक बटे एप्सिलॉन नॉट गुना दिए। अब क्यू डैश का मान रख दें यहाँ से, तो फाई कितना आ गया बताओ, क्यू डैश की जगह ये लिखेंगे तो क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, समीकरण नंबर दो। अब ये तो आया था विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, यह आया गाउस के नियम से, दोनों को बराबर कर देंगे। तो समीकरण एक व दो से, एक व दो से क्या मिलेगा बताओ, E गुणा चार पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू आर क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यही मिलेगा। अब देखो आप आर स्क्वायर से आर क्यूब को काट देंगे तो आर बचेगा, चार पाई भाग में आ जाएगा, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ क्या आने वाला है, ई बराबर क्यू स्मॉल आर बटे चार पाई भाग में आ जाएगा, तो चार पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं के, तो के क्यू आर बटे आर क्यूब, के क्यू आर बटे आर क्यूब हुआ या नहीं। ये फॉर्मूला निकल गया है आपके पास ठोस अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखो के नियत है, क्यू का मान नियत है गोले पे आवेश, आर गोले की त्रिज्या नियत है, दूरी है आर, तो विद्युत क्षेत्र दूरी पे किस प्रकार निर्भर करता है, समानुपाती होता है, बोलो होता है या नहीं। तो ये आ गया आपके पास आवेशित ठोस अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, बोलो आया है नहीं, कोई दिक्कत। अब इसके लिए यदि ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब देखना इधर देखो, इस आवेशित अचालक ठोस गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र आया था वो आया था के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर, बाहर बाहर मतलब आर इज ग्रेटर देन आर पे, पृष्ठ पे कितना आया था के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, आर बराबर आर पृष्ठ पे, और अंदर कितना आया था, अंदर ये वाला के क्यू आर बटे आर क्यूब, ये आया था आपके पास आर लेस देन आर, सही अंदर आया था। तो इसके लिए यदि विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य परिवर्तन ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा, तो विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य परिवर्तन ग्राफ बनाएं तो देखो आप ये y अक्ष पे तो ले लेंगे विद्युत क्षेत्र, x अक्ष पे ले लेंगे अपन दूरी, ये r और ये विद्युत क्षेत्र e और ये मूल बिंदु जीरो हो गया। अब बताओ तीन क्षेत्र बनाएंगे बीच में, यहाँ मान लेते हैं r बराबर r, तो इससे पहले होगा r इज लेस देन r और ये r इज ग्रेटर देन r, समझ लो, यहाँ पे दूरी का मान त्रिज्या के बराबर है, यहाँ दूरी त्रिज्या से कम है मतलब गोले के अंदर है, और ये दूरी त्रिज्या से ज़्यादा है, बिंदु की दूरी त्रिज्या से ज़्यादा मतलब गोले के बाहर है। तो सबसे पहले कौन सा बनाते हैं, r बराबर r पे, तो r बराबर r पे नियत होता है क्योंकि k नियत है, q नियत है, r नियत है, तो k क्यू बटे r स्क्वायर, तो यहाँ बना देता हूँ, मान ले कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता है k क्यू बटे r स्क्वायर, तो ये r बराबर r पे आ गया, ये ऐसे r बराबर r पे विद्युत क्षेत्र आ गया, ये कितना k क्यू बटे r स्क्वायर, दिख रहा है पृष्ठ पर r बराबर r पर विद्युत क्षेत्र k क्यू बटे r स्क्वायर,
बाहर की बात करें, बाहर आर इज ग्रेटर देन आर, तो इसमें दूरी पे किस प्रकार निर्भर करता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ई प्रपोर्शनल टू एक बटे आर स्क्वायर। और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसे बनता है बताओ, आयताकार अति परवलय ऐसे, तो ई प्रपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, बोलो आ गया नहीं, ई प्रपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा ग्राफ आएगा, बोलो आएगा या नहीं। बाहर के क्षेत्र में, अंदर की बात करें अंदर, तो ये अंदर का क्षेत्र है, आर इज लेस देन आर, आर इज लेस देन आर, इसके लिए ये फॉर्मूला आया। तो इसमें ई आर पे किस प्रकार निर्भर करता है, ई समानुपाती स्मॉल आर, देखो ये आर तो गोले की त्रिज्या है, ये तो नियत रहेगी, क्यों नियत रहेगा, के नियत रहेगा, ये निर्भर करता है समानुपाती। तो गोले के अंदर बात करें समानुपाती, तो समानुपाती के लिए ग्राफ कैसा बनता है, सब सिखाएं इलेवंथ में, ऐसा बनेगा ई समानुपाती आर। तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ, जैसे कि अचालक गोले के केंद्र से यदि दूर चलें तो जब तक गोले के अंदर हैं तब तक तो विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी के समानुपाती रहेगा, गोले के पृष्ठ पे जाते अधिकतम हो जाएगा, और यदि गोले के बाहर गोले से और दूर जाएं तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ साथ घटती जाएगी, घटती जाएगी। तो ये था विद्युत क्षेत्र और दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ, किसके लिए, आवेशित ठोस अचालक गोले के लिए, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।